हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का महाकाल चैनल में स्वागत है। तो हम आ चुके हैं बनारस, रामनगर का किला। तब तक कि हम आपको कुछ बताएं, तब तक कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जो वीडियो देख रहा है उन्हें हाथ जोड़ के विनम्र है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ तोपें रखी गई हैं, जो कि पुराने ज़माने में रखी गई थी फिलहाल के लिए, रक्षा करने के लिए द्वार पे, मुख्य द्वार पे। तो तब तक मैं अंदर चलता हूँ, तब तक आपको दिखाता हूँ। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये सब आप देख सकते हैं आप लोग कि कैसे जो है अंदर का नज़ारा। यहाँ पे आप लोग आए देख सकते हैं कितना बढ़िया सा मंजर है। तो भाई साहब, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मज़ा आने वाला भाई साहब। आप लोग कभी भी बनारस आ सकते हैं तो आप लोग देखिए जरूर। ये मुख्य द्वार है, रानी महल है इधर, जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग। तो भाई साहब, आप लोग आइए तो देखिए ज़रूर एक बार रामनगर के किला। फिलहाल के लिए अंदर हम लोगों को एंट्री नहीं है, अंदर हम लोग कैमरा वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि बाहर ही आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अंदर नहीं दिखा सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि जो है परमिशन नहीं है हम लोगों को अंदर दिखाने की, जिससे अपमान होगा। तो फिलहाल मैं अभी अंदर चलूँगा, थोड़ी देर में चलते हैं अंदर, फिर दिखाएंगे उसके बाद में आप लोगों को। ये है भाई साहब भूलभुलैया, जो पीछे निकली हुई है गंगा घाट पे, सीधे पीछे ये गंगा घाट नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोगों को दिखा दूं मैं, ये देख सकते हैं, ये रानी महल है एकदम। क्या बात है भाई, कुछ कह नहीं सकते, कैसा पीछे मंजर है। ये आप देख सकते हैं लाल मंदिर, ये इसमें महादेव की मूर्तियां रखी हुई हैं, जो भी बंद है फिलहाल के लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फिलहाल पूरा नदी के किनारे जो है, गंगा घाट के किनारे ही स्थित है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं भाई, मज़ा आने वाला है, क्या बात है। ये देखिए पूरा अलग ही एक नज़रिया यहाँ पे। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये बंद हुआ है, नीचे बंद पड़ा हुआ है। और ये भाई लोग देख लिए, नाव में बैठे हुए हैं, सैर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाने वाली, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक आपको पानी ही पानी दिखाने वाला है, और कुछ नहीं दिखेगा। ये गंगा घाट के किनारे पर स्थित है फिलहाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेंसर कैमरा भी लगाए गए हैं, लेकिन पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अंदर जाके और रिकॉर्डिंग करना वो परमिशन नहीं है हम लोगों को। तो फिलहाल बाहर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए लाल मंदिर, शिव जी का मंदिर है, इसमें जो है मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो किसी भी मंदिर में यहाँ आप आइए तो अलाउ नहीं है आपको कि आप रिकॉर्डिंग करें। फिलहाल जहाँ से ज़्यादा हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गंगा जी पूरी स्थल पे है। ये जो पुल है, जिस पुल से हम आए हुए थे, ये पुल दिख रहा है आप लोगों को सामने। तो फिलहाल के लिए ये देख सकते हैं आप, कितना नज़ारा, इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्या बात है। और यहाँ पे जो है भाई साहब, हम लोग तो 3 दिन रुके हुए थे बनारस में यहीं पे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है यहीं। तो यहाँ पे आप अगर आइए तो यहाँ पे एक बात है, आइए तो आप यहाँ पे तस्वीरें ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने भी हाल ही में खिंचवाई थी। तो यहाँ का कुछ अलग ही क्रिएट करती हैं तस्वीरें, क्योंकि इतने अच्छे यह फ़ोटो आते हैं यहाँ पे, पिक्चर्स आती हैं कि क्या बताएं भाई साहब, मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे। बहुत ही
बढ़िया जो है वो सीन होता है। मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपकी जहाँ तक नज़र जाने वाली, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी है। और वो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग कहाँ पहुँच चुके हैं बैठे बैठे नाव में। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे बाहर जो है बाहर का घूमने का खर्चा आपको नहीं पड़ता है। जैसे मैं फिलहाल मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिम बाहर का, तो बाहर जो है यहाँ का खर्चा नहीं पड़ता है बाहर घूमने का। आप बाहर आइए, घूम कर चले जाइए, बाहर का कोई भी खर्चा आपको नहीं पड़ता है, ना ही टिकट पड़ता है यहाँ पे, जैसे मैं बता दूँ। और आप लोग अंदर जाना है तो अंदर जाइए, वहाँ पे आपका फ़ोन ले जाना अलाउ है, लेकिन आप वहाँ फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही चला सकते हैं, रख के ले जा सकते हैं, ना ही कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर फ़िलहाल घूमने के लिए। और ये मैं आप लोगों को तोप दिखा रहा हूँ, ये पुराने ज़माने की शायद तोप होगी, क्योंकि मेरे नसरी में तो था नहीं, मैं तो था नहीं तब, जब युद्ध हुआ था तब हुआ था। ये देख ली भाई, क्या बात है, ये बाहर रखी हुई है बाहर, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तोपें मुख्य द्वार पे रखी हुई हैं, एक ये रखी हुई है यहाँ पे, ये कैसी तोप है भाई मुझे तो पता नहीं है। और फिलहाल ये रखी हुई है तो यहाँ पे, तो इसे मैं दिखा देता हूँ भाई इसे चलाते कैसे होंगे यार। आज के ज़माने में तो वो गोला बारूद धा धा डालते रहते हैं, पहले ज़माने में ये गोला आगे डालते हैं, वैसे पता नहीं कैसे इसको चलाते होंगे। बैलगाड़ी जो है उस टाइप की लगती रहती है। मैं यहाँ 2-3 दिन रुका है, उसकी वजह से मुझे ज़ुकाम हो गया, फिलहाल के लिए पानी चेंज हुआ है मेरा यहाँ से वहाँ। तो फिलहाल मैं अंदर गया था, गाड़ियाँ वगैरह अंदर खड़ी हुई हैं पुराने ज़माने।